हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दस्मीज किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रोस्टेड चना दाल और मूंगफली की चटनी। इसे लोग ज़्यादातर इडली और डोसा के साथ खाना पसंद करते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें और मेरी रेसिपी पर अपने कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। रोस्टेड चना दाल और मूँगफली की चटनी बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 कटोरी चना का दाल ली हूँ, 2 हरी मिर्च जिसे मैं तोड़ के रख ली हूँ, 4 से 5 टुकड़े सूखे नारियल मैं ली हूँ, आप चाहें तो फ्रेश नारियल भी यूज कर सकते हैं, 1 कटोरी मूंगफली जिसे मैं रोस्ट कर ली हूँ, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और 1/2 इंच अदरक ली हूँ, 1 नींबू का रस, नमक टेस्ट के अनुसार। छौंक के लिए मैं यहाँ पे पीली सरसों ली हूँ, चाहें तो काली सरसों भी यूज कर सकते हैं, और 2 लाल मिर्च जिसे मैं तोड़ के रख ली हूँ, और मस्टर्ड ऑयल जिसमें मैं छौंक लगाऊंगी। रोस्टेड चना दाल और मूंगफली की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैं चना दाल को ड्राई रोस्ट कर लूँगी। चना दाल को ड्राई रोस्ट करने के लिए तवा को गर्म कर लें और उसके बाद उसमें चना का दाल डाल लें और मीडियम लो फ्लेम पे उसे कुछ कुछ देर पर चलाते हुए भूनना है हमें, जब तक कि चना दाल अपना कलर थोड़ा सा चेंज न कर ले, थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तब मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी। मीडियम लो फ्लेम पे मैं इसे 1 मिनट तक भुनी हूँ, इससे हल्की हल्की खुशबू भी आ रही है और चना का दाल हल्का सा ब्राउन कलर भी ले रहा है। अब इसे मैं बस 30 सेकेंड और भूनूंगी। इसमें मैं रोस्टेड पीनट डाल दूंगी और मिलाकर बस 30 सेकेंड लो मीडियम फ्लेम पे भुने और इसमें पानी डालकर मैं सोक कर दूंगी। ये देखिए, चना का दाल अब रोस्ट हो गया है, ये हल्का ब्राउन हो गया है। अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसे एक बर्तन में निकाल लूंगी और इसे रूम टेम्परेचर पर आने के बाद इसमें मैं पानी भर दूंगी। दाल रूम टेम्परेचर पे आ गया है, अब इसे मैं पानी डालकर इसे 2 घंटे के लिए सोक करने के लिए छोड़ दूंगी। पानी से मैं भर दी हूँ, अभी इसे 2 घंटे तक मैं पानी में छोड़ दूंगी। जब ये थोड़ा फूल जाएगा तब मैं इसकी चटनी बनाऊंगी। दाल फूल गया है, अब इसे मैं एक मिक्सी के जार में डालकर इसकी चटनी बना लूंगी। रोस्टेड मूंगफली और दाल दोनों मैं एक साथ फुला ली थी, अब इसे मैं इस जार में डालकर इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लूंगी। इसमें मैं सूखे नारियल डाल दूंगी, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक डाल दूंगी। मैं थोड़ा सा नमक टेस्ट के अनुसार नमक डाल दूंगी और 1 नींबू का रस डालूंगी और इसका मैं एक फाइन पेस्ट तैयार कर लूंगी। चटनी बनाने के लिए मैं उसमें 2 से 3 बड़े चम्मच पानी डालकर इसे मैं पीस लूंगी। ये देखिए, चटनी पीसकर तैयार हो गई है। पीसने वक्त यदि आपको लगे कि ये ड्राई हो रहा है तो इसमें थोड़ा पानी मिलाकर इसे पीस लें। ये देखिए, चटनी की कंसिस्टेंसी इस तरह होनी चाहिए। अब इसे मैं छौंक लगा लूँगी। चटनी में तड़का लगाने के लिए मैं पैन को गर्म कर ली हूँ, उसमें 2 से 3 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालूँगी और उसके गर्म होने के बाद उसमें मैं सरसों डालूँगी। तेल गर्म हो गया है, उसमें मैं थोड़ा सा सरसों डाली हूँ, मैं पीली सरसों डाल रही हूँ, चाहे आप तो काली सरसों भी यूज कर सकते हैं, और लाल मिर्च डाली हूँ। अब दोनों को मैं थोड़ा सा भूनूंगी। सरसों चटकने तक भूनूंगी, उसके बाद मैं इसे चटनी में डालूंगी। ये देखिए, सरसों भून गया है, अब फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसे मैं चटनी में डालकर इसका तड़का लगाऊंगी और ये हमारी चटनी तैयार हो गई है। इसे आप घर में ज़रूर ट्राई करें और मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।